गंगा नदी में डॉल्फिन की उपस्थिति से पर्यावरणविद काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन अब बिहार में डॉल्फिन का शव मिलने से वन विभाग के साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। 4 फीट के डॉल्फिन का शव वैशाली के गोपालपुर दियारा में गंगा नदी के किनारे से मिला। डॉल्फिन का शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बाद में हाजीपुर के जड़वा स्थित वन विभाग के रेंज ऑफिस में डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वन विभाग की टीम डॉल्फिन की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। मृत डॉल्फिन के शरीर पर कोई निशान नहीं मिले हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शॉक की वजह से डॉल्फिन की मौत हुई। मृत डॉल्फिन लगभग 4 फीट लंबा है और पूरी तरह से तंदुरुस्त है। उसके शरीर पर कोई भी खरोंच के निशान नहीं मिले हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शॉक की वजह से डॉल्फिन की मृत्यु हुई है। लुप्त हो रहे डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर बिहार सरकार गंभीर है और डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाना है, लेकिन वैशाली में हुई डॉल्फिन की मौत से इस अभियान को झटका लगा है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ये दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। डॉल्फिन्स कम से कम 5 से 8 फीट गहरे पानी में रहना पसंद करती है। वन विभाग की DFO अमिता राज ने बताया कि डॉल्फिन के मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जा रही है और कैसे मौत हुई है? जैसे ही हमें पता चला कि बिदुपुर के पास डॉल्फिन एक मृत पाया गया है, हमारे स्टाफ ने तुरंत वहाँ पे जाकर रेंज ऑफिसर को भी मैंने इंस्ट्रक्ट किया, उन लोग तुरंत जाकर उस चीज़ पे जांच पड़ताल किए और बॉडी को लेकर हम लोग स्थाई जो हमारा रेंज ऑफिस है हाजीपुर में उसको लाया गया। उसके उपरांत वेटनेरियन से भी हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके उसका, क्योंकि बाहर से कोई खरोंच नहीं था, बॉडी एकदम पूरी इंटैक्ट थी, उसके बाद हमने उसका आज सुबह से वेटनरियन पशु चिकित्सक के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। और जो अभी प्राइमा फेसी जो हमें लग रहा है वो शॉक स्ट्रेस के कारण उसकी मृत्यु हुई है। वैसे हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट किए हैं और देहरादून उसको भेजे हैं, और अभी जो हमारा पोस्टमार्टम हुआ उसमें हमारे WIA की भी टीम, देहरादून की टीम भी थी जो अभी डॉल्फिन सेंसस कर रही हैं, और हमारे डॉक्टर साहब थे, स्थानीय कुछ लोग थे, और रेंज ऑफिसर्स और अदर स्टाफ के सामने हम लोग ने अंतप्रेक्षण भी किया और अंत में उसका इंसिनेशन के थ्रू उसका क्रीमेशन किया है। डॉल्फिन मतलब कितनी बड़ी रही, क्या उसकी लंबाई है, कितनी वजन होगी डॉल्फिन उसकी? अभी तो डॉल्फिन की लंबाई कितनी थी? 4 फीट की डॉल्फिन की लंबाई थी हमारी, और वो एक जुवेनाइल डॉल्फिन है और काफ़ी हेल्दी लगा हमें उसमें। कुछ भी ऐसा कहीं खरोच कुछ नहीं, उसके उसका हर पार्ट्स इंटैक्ट था, कुछ नहीं था। तो हम लोग स्ट्रेस का ही इस पर वो कर रहे हैं कि स्ट्रेस के कारण, शॉक के कारण उसका मृत्यु हुआ है।